Hey guys, welcome back to my channel. तो कल मैं travel करने जा रही हूँ Pondicherry और इस video में मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से essential चीजें हैं makeup and skin care routine जो आप अपने makeup pouch में makeup bag में डाल सकते हैं. तो चलिए video start करते हैं. तो मेरे पास ये total 1, 2 and ये 3 मेरे पास bag है. जिसमें मैंने अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स है और जो मेरी जो मेरी एसेंशियल चीजें हैं स्किन केयर की उसे मैंने रखा. आई नो थोड़ा ह्यूज है लेकिन यू हैव टू कंसीडर दैट वी आर 3 पीपल्स, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी. तो मुझे उस हिसाब से अपना सामान रखना पड़ा है. इसमें कुछ मेकअप ब्रशेस, इयररिंग्स, कॉम, यही सब है. और इसमें मेरा टोटल मेकअप प्रोडक्ट है. ये एक्चुअली एक लॉन्ड्री पाउच है, इसको मैंने सेट खरीदा था. ये 5 का सेट आया था और इसमें कुछ मैंने इस तरह से भी है. इसमें मैंने अपने बेबीज के डायपर रखे हैं और इसमें कुछ मैंने स्लीपर्स वगैरह मैंने रखे हैं. और इस पाउच में मैंने अपने बेबी के हैंकीज, अपने बेबीज के सॉक्स, हेयर बैंड्स, ये सारा रखा है. यू नो गाइस, क्या होता है जब आप इस तरह के पाउच खरीदते हैं तो आपका जो पैकिंग होता है वो मैसी नहीं होता. आपको पता रहता है कि किस पाउच में क्या है और आप एग्जैक्टली उसी पाउच से निकाल कर आप फिर से उसी में सामान रख सकते हैं. तो इस वजह से मैंने ये सारे पाउचेस को परचेस किया है. तो उसमें से एक पाउच ये बच गया था, तो उसमें ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी अच्छा है. तो मैंने ये खरीदा है. तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मेरे मेकअप बैग में क्या क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ये पाउच आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है. तो इसमें मेरे ब्रशेस हैं, मेरा मिरर है, एक मैंने टेल कॉम लिया है, कुछ क्लिप्स लिए हैं मैंने, मेरे कुछ रबर बैंड्स हैं, और फिर इसके बाद इसमें इस तरह का एक छोटा स्मॉल बॉक्स लिया है मैंने, जिसमें मेरे स्मॉल इयररिंग्स हैं. और बड़ी इयररिंग्स मैंने इसी में ऐसे ही डाल दी हैं. और एक रबर बैंड का, प्लास्टिक रबर बैंड का मैंने पाउच भी लिया है, इन केस अगर कुछ नेसेसरी हुआ तो मेरी इयररिंग्स इसमें हैं. तो टोटली ये जो मेकअप नहीं है, ये बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो है इस बैग में. इसके बाद मैंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में क्या क्या लिया है मैं वो आपको दिखाती हूँ. ये सबसे पहले मैं एक ही फाउंडेशन ले रही हूँ, कीको मिलानो का. ये स्मार्ट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पांडिचेरी में काफ़ी ज़्यादा धूप होगा तो मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन लिया है. इसके बाद मैंने ये अपना ऑल टाइम फेवरेट बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लिया है. और इसके बाद ये दोनों मैंने काजल पेंसिल लिया है, एक ब्लैक है, मेबलिन का, दोनों ही है, मेबलिन क्लॉसल का, और एक वाइट है. और इसके बाद मैंने ये एक मिनी कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है, ये बहुत ही छोटू सा है. ये स्पंज आई नो काफ़ी गंदा है, मैं इसे अभी क्लीन करने वाली हूँ. नेक्स्ट ये मेरी कुछ लिपस्टिक्स हैं, मैं आपको लिपस्टिक्स दिखा देती हूँ. शाई स्टाइल की लिपस्टिक्स है, लिप क्रेयोंस है, एक L18 का कलर पॉप मैट लिपस्टिक है. ये सारे लिपस्टिक्स हैं मेरे, 5 लिपस्टिक्स लिया है मैंने.
मैंने आईलाइनर एक ही लिया है, स्टे क्विर्की का, ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है और मैंने इसे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी जो हैंडल है ये इस तरह से बेंड होती है और काफ़ी इजी होता है। फिर मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का एक पीच कलर का ये लिया है मैंने ब्लश, ये काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा आपको सन किस्ड लुक देगा, बीच एरिया है, सन किस्ड लुक होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैंने ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है, ये काफ़ी छोटा सा हैंडी है, इसके अंदर एक मिरर भी आता है, हालांकि मैं चाहूँ तो इसमें मिरर ना भी यूज़ करूँ तो चलेगा। नेक्स्ट मैंने एक ही आई शेडो पैलेट लिया है मिस क्लेयर का, मैं कुछ ज़्यादा वहाँ पे अपना आई शेडो ट्यूटोरियल वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि उतना टाइम रहेगा नहीं, और ये मैंने इसलिए लिया है कि जो भी मैं डिज़ाइन करूँगी, सॉरी जो भी मैं आई शेडो लगाऊँगी वो जस्ट जो मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी कोरियन मेकअप ट्यूटोरियल उसी के ऊपर बेस्ड होगा। और मैंने ये अपना इंस्टेंट ग्लो का शिमर ब्रिक वॉश ऑफ हाइलाइटर लिया है। और इसके बाद ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मैं हाँ हालांकि मेरे पास और भी मस्कारा है लेकिन इस ये जितना वॉल्यूम देता है मुझे नहीं लगता कि और कोई मस्कारा इतना अच्छा वॉल्यूम दे सकता है, कम प्राइस में काफ़ी अच्छा है। हाँ मैंने अपना मेबलिन फिटमी का कंसीलर लिया है, और ये मैंने एक NYB का कलर करेक्टर लिया है, ये लिपस्टिक नहीं है कलर करेक्टर है, इफ़ आई नीड, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। मेबलिन का ही फैशन ब्रो क्रीम पेंसिल है ये आईब्रोज के लिए, और एक मैंने रेड नेल पेंट लिया है, मेरे पास सीरियसली कोई भी नेल पेंट और किसी भी कलर का नहीं है, आई प्रिफेयर ओनली रेड, पता नहीं मुझे रेड क्यों पसंद है, जस्ट रेड। तो ये है मेरा मेकअप बैग में जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, और आप देख रहे हैं मेरी बेटी को मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स कितना पसंद है, यू टेक इट। इसके बाद ये लास्ट बैग है मेरा, इसमें कुछ ये टॉयलेट्री एसेंशियल्स भी आप कह सकते हैं, ये कुछ इस तरह, इसमें मैंने बैंडेड्स रखे हैं, ये शावर जेल है, फेस वॉश है, ये मेरा शैम्पू है, ये बेबी का ऑयल है, ये मैंने शैम्पू के पाउचेस भी लिए हैं, बेबी का सोप है, एक बोरोलिन लिया है मैंने, उसके शैम्पू है मेरी बेटी का, और ये सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन मेरी बेटी का है। मैं ज़्यादा नहीं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी टारगेट की हुई है बैग को, अभी बहुत मुश्किल होगी मुझे उससे ये सारी चीज़ें वापस लेना। यहाँ पे मैंने पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट लिया है, शैम्पू के बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ, और सीरियसली गाइज ये बहुत ही अच्छा है, ग्रीजी टाइप का आपका हेयर नहीं होता है, ऑयली टाइप की फीलिंग नहीं आती, और साथ ही साथ आपके हेयर को प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पे मेरे ब्रशेज है, पेस्ट है, स्मॉल सा पेस्ट है, तो ये इस बैग में इतना ही कुछ। मेरा भी सनस्क्रीन है बट आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया उसको, मुझे अभी उसको ढूंढना पड़ेगा। गाइज आपने देखा कि मैं अपने मेकअप बैग में क्या क्या लेकर जा रही हूँ, और टॉयलेटरी एसेंशियल्स जो सामान होती है उसमें मैंने क्या क्या लिया है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा होगा। मैं आपको अपना पैकिंग भी दिखाती, लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको अपना पैकिंग दिखाने जाऊँगी तो अभी थोड़ा मेसी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और उन्हें शेयर करें हम सब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।